गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कंप्यूटर जनरेशन के बारे में पढ़ा था, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जो ये फंडामेंटल का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल में कंप्यूटर्स के टाइप। तो स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखते हैं कि कंप्यूटर का के जो टाइप्स हैं उनके क्लासिफिकेशन को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स, अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर्स जो साधारणतया यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद आते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, इनकी कार्य के हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन, और ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कंप्यूटर की साइज के हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला हमारा पॉइंट जो है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप। यहाँ हम देखते हैं कि कंप्यूटर के जो टाइप्स हैं यहाँ तीन प्रकार के हैं। पहला टाइप है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा टाइप है डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा टाइप है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हम एक एक कंप्यूटर के टाइप को डिस्क्रिप्टिवली समझेंगे। एनालॉग कंप्यूटर, तो एनालॉग कंप्यूटर जो है वो किसी भी तरह के फिजिकल मेजरमेंट को करने के लिए मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। अब आप कहेंगे फिजिकल मेजरमेंट कैसा, तो देखिए जब आप अपनी बाइक में हवा भराते हैं, या किसी लंबाई को आप नापना चाहते हैं, या किसी हाइट को आप नापना चाहते हैं, आप टेम्परेचर को नापना चाहते हैं, या किसी टायर के अंदर का प्रेशर चेक करना चाहते हैं, या ऑयल फील्ड्स में जो ऑयल की क्वांटिटीज़ होती हैं उन्हें आप चेक करना चाहते हैं, उनका प्रेशर चेक करना चाहते हैं, किसी लिक्विड की मेज़रमेंट करना चाहते हैं, तब ऐसी जगहों पर एनालॉग कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर जिनका मोस्टली यूज़ साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ज़्यादा किया जाता है, जिनका मुख्य उद्देश्य केवल और केवल क्वांटिटी को मेज़र करना होता है। एनालॉग कंप्यूटर्स बहुत ही सरल शब्दों में अगर हम कहें तो ताप, दाब, लंबाई, ऊंचाई, या लिक्विड कैलकुलेशन के लिए, लिक्विड की मात्रा को कैलकुलेट करने के लिए, उसकी क्वांटिटी को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपने थर्मामीटर देखा होगा, डॉक्टर्स के पास थर्मामीटर टेम्परेचर को चेक करने के लिए रखा होता है। जाहिर सी बात है इससे आपके फीवर का टेम्परेचर चेक किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो थर्मामीटर है वो थर्मामीटर जो है आपका एनालॉग कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डिजिटल कंप्यूटर। आपने सभी ने अपने घरों में, अपने कंप्यूटर सिस्टम्स में, आपने अपने मोबाइल फोन्स में डिजिटल क्लॉक देखी होंगी। डिजिटल, जैसा कि नाम है डिजिटल, तो यहाँ अगर हम डिजिटल कंप्यूटर को थोड़ा सा क्लासिफाई कर दें या थोड़ा सा और डिस्क्रिप्टिव वे में अगर पढ़ें तो हमें यहाँ समझ में आता है कि डिजिटल कंप्यूटर जो है वो डिजिट पर डिपेंड करता है, जहाँ पर किसी भी तरह के कैलकुलेशन को डिजिट्स में प्रेजेंट की करने का कार्य किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर फिजिकल मेजरमेंट जैसे डिजिटल वॉचेस आदि, जो टाइम को माप कर या उसे कैलकुलेट करके या एक लिमिट के बाद अपने नंबर्स को चेंज कर लेता है, डिजिटल कंप्यूटर्स कहलाता है।
डिजिटल वॉचेस अगर आपने देखी हो तो उसमें अगर कभी आप गौर से उसे देखिए कि मान लीजिए कि 11:49 किसी वॉच में आपको टाइम दिखाई दे रहा है, तो नॉर्मल सी बात है कि ठीक 1 मिनट बाद यहाँ 12 o'clock आपको दिखाई देगा। पर ये कैसे पॉसिबल होगा? ये डिजिटल कंप्यूटर की हेल्प से ही पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि यहाँ इस कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्रामिंग की गई होती है उस प्रोग्रामिंग के हिसाब से एक लिमिट के बाद आपकी जो वैल्यू आपको मॉनिटर पर दिखाई दे रही है वो चेंज हो जाती है। यहाँ स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे कि किसी भी मेज़रमेंट को करने के लिए या किसी भी चीज़ की कैलकुलेशन को करने के लिए यहाँ पर हाउ मैनी के कॉन्सेप्ट को फोकस किया जाता है, मतलब मात्रा में कितना। इस तरीके के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए या ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए डिजिटल कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें किसी भी तरह के मेज़रमेंट को किया जा सकता है, बड़ी ही आसानी से किया जा सकता है। आप देखिए कि लिक्विड की क्वांटिटी को कैलकुलेट करना, प्रेशर को चेक करना, या टेम्परेचर को चेक करना, ये सभी जो वर्किंग है, ये सारी की सारी जो वर्किंग है ये हाइब्रिड कंप्यूटर की हेल्प से की जा सकती है। मगर यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो एक ही समय में दोनों तरह के कैलकुलेशन कर सकता है। दोनों तरह के कैलकुलेशन मतलब एनालॉग कंप्यूटर की क्वालिटी भी इस कंप्यूटर में पाई जाती है, जिसमें आप टेम्परेचर, प्रेशर, हाइट, लेंथ इत्यादि को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन को किसी भी स्क्रीन पर आसानी से दिखाया जा सकता है। मतलब हम यहाँ ये कह सकते हैं कि यहाँ डिजिटल कंप्यूटर भी यूज़ किए जा रहे हैं और एनालॉग कंप्यूटर भी यूज़ किए जा रहे हैं। नंबर्स जो कैलकुलेशन आप करेंगे वो सारी सारी कैलकुलेशन आपको डिजिटल मोड में दिखाई देगी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आप पेट्रोल पंप पर अपनी बाइक में पेट्रोल भराने के लिए जब भी जाते हैं तो वहाँ जो पेट्रोल पंप पर लगी हुई पेट्रोल की मशीन होती है वो मशीन में हाइब्रिड कंप्यूटर होता है जो एक ही समय में आपको क्वांटिटी भी मॉनिटर पर शो करता है और उसी मॉनिटर को या उसी क्वांटिटी को कैलकुलेट करके आपकी बाइक में पेट्रोल भी ट्रांसफ़र करता है। तो ये हुआ आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हम आते हैं जो दूसरी कैटेगरी है हमारी, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। यहाँ दो अलग अलग पर्पस हैं या जो वर्क हैं उन वर्क के हिसाब से भी कंप्यूटर को डिफाइन किया गया है, अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर दो अलग अलग पार्ट्स हैं, पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर और दूसरा है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, मतलब सामान्य उपयोग के लिए कंप्यूटर और विशेष कार्यों के लिए कंप्यूटर। तो यहाँ जो जनरल पर्पस कंप्यूटर हैं ये साधारण यूज़ के लिए एक यूज़र यूज़ करता है। ऐसे कंप्यूटर्स का यूज़ केवल जनरल पर्पस के लिए या सामान्य कार्यों के लिए किया जाता है। इसमें जो सीपीयू यूज़ किया जाता है उनकी वर्किंग जो है, वर्किंग कैपेसिटी जो है वो नॉर्मल होती है, सामान्य कैपेसिटी के साथ में ये आपको अवेलेबल होते हैं मार्केट में। आप जाइए तो नॉर्मल आपको ये जो कंप्यूटर हैं ये बहुत ही कम रेट पर आपको आसानी से मिल जाएंगे। ऐसे कंप्यूटर्स का मेन यूज़ केवल घरों पर हम करते हैं, ऑफिसेज में करते हैं, और केवल इतने के लिए ही इनका यूज़ किया जाता है कि आपको किसी लेटर को राइट करना हो, किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना हो, डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराना हो, किसी ऑडियो को सुनना हो, वीडियो को देखना हो, टेबल क्रिएट करनी हो, प्रेजेंटेशंस क्रिएट करनी हो,
या डेटाबेस को आपको अगर एंटर कराना है तो इन सभी कार्यों के लिए जनरल पर्पस कंप्यूटर्स को ही यूज किया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, मतलब ऐसे सारे कंप्यूटर्स जो किसी विशेष कार्य के लिए ही बनाए जाते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहलाते हैं। इनके कंप्यूटर की वर्किंग कैपेसिटी जो होती है बहुत हाई होती है। अब जाहिर सी बात है कि जिन कंप्यूटर की वर्किंग कैपेसिटी हाई होगी, जिनके रिजल्ट्स भी एक्यूरेट होंगे, उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। ज़्यादा कॉस्ट होने के कारण कंप्यूटर पर लोड भी बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे कंप्यूटर्स केवल और केवल ऐसी इंस्टीट्यूशंस में या ऐसी संस्थाओं में ही यूज़ किए जाते हैं जहाँ पर वर्क बहुत हाई लेवल और एक्यूरेट रिजल्ट्स की जहाँ आवश्यकता होती है, जैसे स्पेस साइंस, अंतरिक्ष विज्ञान में ऐसे कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। वेदर फॉरकास्टिंग, मतलब मौसम की जानकारी के लिए भी इन कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। सैटेलाइट ऑपरेशन, किसी उपग्रह को अगर जमीन पृथ्वी पर रहकर अगर हमें अंतरिक्ष में किसी सैटेलाइट को अगर ऑपरेट करना हो, कुछ चलाना हो, तब भी हम इन कंप्यूटर्स का यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, किसी भी नई दवाई को खोजना हो, कोई नया मेडिसिन को बनाना हो, कोई रिसर्च करनी हो, कोई डेवलपमेंट करना हो, तब उस जगह पर भी एक्यूरेट रिजल्ट्स की आवश्यकता होती है। ट्रैफिक कंट्रोलिंग, ट्रैफिक कंट्रोलिंग मुझे लगता है कि सबसे कंट्रोलिंग वाला एक ऐसा वर्क है जिसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग की आवश्यकता है। एक टाइम के बाद किस रोटेशन में लोगों को रिलीज़ करना है, किस जगह के लोगों को, किस डायरेक्शन के लोगों को रोकना है, ये एक बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट वाली एक्टिविटी है, तो यहाँ भी स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाएगा। उसके बाद हम आते हैं एग्रीकल्चर साइंस, कृषि विज्ञान के लिए भी ऐसे कंप्यूटर्स का यूज़ किया जा सकता है। मेडिकल लाइंस में नई नई दवाइयों को खोजने के लिए, नए वायरस के अगेंस्ट कुछ मेडिसिंस को क्रिएट करने के लिए भी इन कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। बैंकिंग और रेलवे टिकटिंग के लिए भी इन कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। नॉर्मली जब आप किसी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं और वहाँ से जो आपको टिकट्स मिलती हैं, तो वहाँ टिकट्स का फॉर्मेट भी अलग होता है, उनकी प्रिंटिंग भी कुछ अलग तरीके से होती है। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर यूज़ किए जा रहे हैं वो जीयूआई बेस्ड ना हो करके, मतलब ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस ना हो करके, ऐसे कंप्यूटर्स में कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पर स्क्रीन जो है आपका पूरे मॉनिटर पर ब्लैक कलर का होता है और जो कैरेक्टर्स या जो वर्ड्स आपको दिखाई देते हैं वो वाइट कलर से देखे जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर बिल्कुल सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स जो हैं वो किसी स्पेशल पर्पस को कंप्लीट करने के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी जो तीसरी कैटेगरी है वो है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। यहाँ साइज जो है कंप्यूटर की उस साइज को हम डिस्कस कर रहे हैं जो अभी हम नॉर्मली देखते हैं, मतलब फिजिकल साइज एक कंप्यूटर का, जैसे स्मार्टफोन्स, डेस्कटॉप और भी बड़े कंप्यूटर्स जो हैं मार्केट में, शायद और बड़े कंप्यूटर्स तो अवेलेबल नहीं होते हैं, पर ऐसे बड़े बड़े कंप्यूटर्स या स्पेशल कैटेगरी के जो कंप्यूटर्स हैं वो आप ऑन डिमांड्स पर बनवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहली कैटेगरी जो है माइक्रो कंप्यूटर की। यहाँ पहला कंप्यूटर, यहाँ जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसे हम नॉर्मली अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर का नाम माइक्रो कंप्यूटर इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें दो अलग अलग कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि माइक्रो कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है, जो कि एक साधारण कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है माइक्रो प्रोसेसर। और दूसरा रीज़न ये है कि ये बड़ी ही आसानी से किसी भी डेस्क पर आसानी से इनको रख करके यूज़ किया जा सकता है, इसलिए हम ऐसे कंप्यूटर्स को डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं।
एक नॉर्मल सा कंप्यूटर जो आप अपने ऑफिस में, किसी कंप्यूटर लैब में, आप अपने घरों में देखते हैं, ये सभी कंप्यूटर्स माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें आपका पर्सनल कंप्यूटर मतलब पीसी, नोटबुक, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पीडीए और लैपटॉप जैसी कैटेगरीज इस कंप्यूटर के अंदर आती हैं। लैपटॉप को तो आप सभी जानते ही होंगे कि नॉर्मली आप जब इसको परचेस करते हैं तब आपको इस लैपटॉप के साथ एक बैग भी दिया जाता है ताकि आप इसे आसानी से इस बैग में से रख सकें। तो यहाँ पर जो माइक्रो कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर्स हैं जिसे एक यूज़र साधारण कार्यों के लिए अपने लिए यूज़ करता है, माइक्रो कंप्यूटर्स कहलाते हैं। हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, यहाँ पर है मिनी कंप्यूटर। तो ऐसे सारे के सारे कंप्यूटर्स जो माइक्रो कंप्यूटर्स से थोड़ा सा बड़े होते हैं, जिनकी स्पीड, जिनका स्टोरेज, जिनकी वर्किंग कैपेसिटी माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है, मिनी कंप्यूटर्स कहलाते हैं। इसमें एक से ज़्यादा सीपीयू हम यूज़ कर सकते हैं और इनकी जो कॉस्ट होती है, अब क्योंकि एक साधारण से कंप्यूटर में केवल एक ही सीपीयू को हम ऑपरेट कर सकते हैं या चला सकते हैं, पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक से ज़्यादा सीपीयू को यूज़ किया जा सकता है। मतलब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो इस कंप्यूटर की कॉस्ट होगी वो थोड़ा सा ज़्यादा होगी। इन्हें हम मिड रेंज कंप्यूटर भी कहते हैं, इसलिए हम इसे मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ इन कंप्यूटर का यूज़ किस जगह पर किया जाना है और किस तरीके से किया जाना है, ये थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। बैंकिंग, अकाउंटिंग, रेलवे टिकटिंग जैसे कार्यों में हम इनका यूज़ करते हैं। यहाँ पर किसी विशेष संस्थान में एक स्पेशल काम करने के लिए, जैसे बैंकिंग में अगर हम देख लें तो अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए, अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए, डेटा को मेंटेन करने के लिए, फंड निकालने के लिए, फंड को विड्रॉल करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए, फंड ट्रांसफर करने के लिए, ये बैंकिंग के कार्यों के लिए जो कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं वो मिनी कंप्यूटर कहलाते हैं। साथ ही साथ अकाउंटेंट जो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं उन्हें भी एक्यूरेट रिजल्ट की आवश्यकता होती है, तो ऐसी जगहों पर भी मिनी कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है, जिनका स्पीड और स्टोरेज दोनों ज़्यादा होते हैं। रेलवे टिकटिंग के लिए भी इन कंप्यूटर्स का यूज़ किया जा सकता है या किया जाता है, क्योंकि रेलवे का जो डिपार्टमेंट होता है उसके भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, रिजर्वेशन डिपार्टमेंट, टिकटिंग डिपार्टमेंट, रेलवे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट और भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो इन सभी के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के साथ में, अलग अलग कार्यों के साथ में ऐसे कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है, इसलिए हम इन्हें मिनी कंप्यूटर कहते हैं, क्योंकि इनकी वर्किंग कैपेसिटी, इनकी स्पीड, इनकी स्टोरेज ज़्यादा होती है माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब आता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी वाले कंप्यूटर हैं। इन कंप्यूटर का साइज़ जो है थोड़ा सा बड़ा होता है और हाईएस्ट क्वांटिटी डेटा को स्टोर करने में और उस डेटा पर प्रोसेस करने के लिए ऐसे कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। जाहिर सी बात है कि जब हाईएस्ट क्वांटिटी डेटा पर कोई प्रोसेस की जाएगी या डेटा को स्टोर कराया जाएगा, तो यहाँ पर जिन भी इक्विपमेंट्स का यूज़ ऐसे कंप्यूटर्स में किया जाएगा, तो ऐसे कंप्यूटर्स का जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ अगर हम मेन फ्रेम कंप्यूटर को माइक्रो और मिनी कंप्यूटर से अगर अलग करें, तो हमें यहाँ समझ में आता है कि जो माइक्रो कंप्यूटर हैं और जो मिनी कंप्यूटर हैं उनकी कॉस्ट से भी ज़्यादा मेन फ्रेम कंप्यूटर की कॉस्ट होती है। इनका यूज़ किसी संस्थान में एक स्पेशल कार्य को करने के लिए किया जा सकता है, जैसे बैंकिंग। इसके पहले भी हम
इस बारे में बात कर चुके हैं कि जो मिनी कंप्यूटर है वो भी बैंकिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है, पर यहाँ रेलवे रिजर्वेशन, सीट बुकिंग, डेटा मैनेजमेंट, इन सभी के लिए भी इस कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो आज का लास्ट पॉइंट है वो है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो है, सुपर कंप्यूटर इन सभी कंप्यूटर से बिल्कुल अलग है। इन कंप्यूटर्स की कैपेसिटी, इनका स्टोरेज, इनका वर्किंग परफॉर्मेंस सभी में सभी से बिल्कुल अलग होता है। सुपर कंप्यूटर बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। ये सबसे तेज़ और सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर माने जाते हैं। भारत का अब तक अपना एक खुद का जो सुपर कंप्यूटर है, जो हमारा पहला कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कहलाता है, वो परम 8000 के नाम से जाना जाता है, जिसे 1991 में क्रिएट किया गया था। इस सुपर कंप्यूटर को बनाने वाली जो कंपनी थी उसका नाम सी डेक है। ये बहुत सारे कंप्यूटर्स को बना चुके हैं, बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स को बना चुके हैं। और भी अगर हम देखें तो भारत की जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उसमें प्रत्यूष और मिहिर नाम के भी अलग अलग सुपर कंप्यूटर्स हैं, जिनकी कैपेसिटी, जिनकी रिजल्ट एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। तो हम बहुत ही सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि ऐसे सारे कंप्यूटर्स जिनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, जिनकी डेटा एक्यूरेसी बहुत ही शार्प होती है, बहुत क्लियर होती है, एक्यूरेट होती है, इन सभी कंप्यूटर्स को सुपर कंप्यूटर्स कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर को एक नॉर्मल व्यक्ति या एक साधारण व्यक्ति यूज नहीं कर सकता। इन्हें केवल कुछ ही संस्थानों में, कुछ ही इंस्टीट्यूशंस में यूज किया जाता है। ऐसे कंप्यूटर्स में एक ही समय पर एक से ज्यादा यूजर एक ही टाइम पर अलग अलग कार्य कर सकते हैं, अलग अलग सिस्टम्स को यूज कर सकते हैं। सारे के सारे सिस्टम एक ही सिस्टम से कनेक्ट होते हैं और वो एक सिस्टम है सुपर कंप्यूटर। इस कंप्यूटर का यूज़ रिसर्चेस, वेदर फॉरकास्टिंग, साइंस एंड डेवलपमेंट्स और डिफेंस जैसे कार्यों में किया जाता है। सुपर कंप्यूटर पहले पढ़ी गई सभी कैटेगरीज में सबसे ज़्यादा पावरफुल है, जो अपनी स्पीड के लिए, अपनी वर्किंग के लिए, अपने स्टोरेज के लिए, अपने डेटा मैनेजमेंट के लिए पहचाना जाता है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। जो डेटा, जो टेक्स्ट हमने आज आपके सामने रखा है, ये आपको समझ आया होगा। आज के वीडियो को देखने के लिए और समझने के लिए थैंक यू।